एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू केयर ब्लैक म्यूर गोल्डफिश। ब्लैक म्यूर गोल्डफिश पूरी ब्लैक कलर की होती है और ये गोल्डफिश के फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी आंखें बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसको टेलीस्कोप फिश भी बोला जाता है। और ये फिश बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट होती है। और ये फिश को रखने के लिए आपको बड़े एक्वेरियम की ज़रूरत है, जैसे कि 6 गैलन से 10 गैलन तक। और ये फिश एक्वेरियम में बहुत अच्छी लगती है दिखने में। इस फिश का अगर आप बड़ा एक्वेरियम नहीं खरीद सकते तो फिर 30 सेमी हाइट और 30 सेमी लेंथ अगर होने वाला एक एक्वेरियम भी खरीद के इसमें आप इसको रख सकते हैं, लेकिन वो एक्वेरियम 6 से 10 गैलन तक होना तो बिल्कुल चाहिए। और हर महीने में आपको इसका एक्वेरियम साफ करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और ब्यूटीफुल और क्यूट मछली होती है। और इस मछलियों को एक्वेरियम में रखने के लिए आपको 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक वाटर टेम्परेचर में रख सकते हो। यह फिश नॉर्मल फिश फूड खाती है और ये फिश को आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। और ये फिश का लाइफ स्पैन 10 से 15 साल तक होता है और ये फिश को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार फीड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा फूड मत देना, वो नहीं खाएगी और पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। और हर एक वीक में गोल्ड फिश के टैंक को पूरा साफ करना होगा, ना तो वो फिश बीमार हो सकती है या तो कोई डिसीज उनको हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तक ये फिश बड़ी हो सकती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। और ये फिश बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव फिश होती है और आप एक अच्छा फिल्टर रखना चाहिए इस मछली को अगर रखना चाहते हैं। आपके पानी को अच्छे से वो साफ करेगा। और ये फिश बहुत ही हार्डी फिश होती है और ये फिश बाउल में नहीं रह सकती है, क्योंकि ये फिश बहुत ही ज़्यादा स्विम करती है, क्योंकि इसको स्विम करना ज़्यादा पसंद है। और ये फिश जितना ज़्यादा स्विम करेगी उतना ही हैप्पी रहेगी। ये फिश बहुत ही स्लो स्विमर होती है, इसलिए आपको इस फिश के साथ आपको स्लो स्विमर फिश रखना चाहिए। और ये फिश एक ओमनीवरस फिश होती है। आप अगर इसके साथ स्पीड स्विमर फिश रखेंगे तो फिर फीडिंग के टाइम पर वो स्पीड फिश बहुत ही ज़्यादा खाएंगे और ये नहीं खा पाएंगी, क्योंकि सारा फूड वो खा लेंगी। और ब्लैक मोर फिश थोड़ा थोड़ा खा पाएगी, इसलिए आप इनको अपने हाथों से खाना खिला सकते हैं, या फिर एक तरह खाना देकर और उसके दूसरी तरह ब्लैक मोर को अपने हाथ से पकड़ कर रख दीजिएगा। जब वो स्पीड मछलियाँ एक तरफ खाना खाएंगे, दूसरी तरफ आप उसको खाना दे दीजिएगा। और आप अपने एक्वेरियम में सार्क चीज़ें ज़्यादा ना रखें, यानी कि बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये मछली को अच्छे से रात में दिखाई नहीं देता है। इसलिए आपको अपने एक्वेरियम को ऐसे डेकोरेट करना होगा जैसे कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो रहने की। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। जाते जाते मैं वीडियो के लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोरोना में ज़्यादा बाहर मत जाएगा, सिर्फ ज़रूरी सामान लाने ही जाएगा। और बाहर जाते वक्त डबल मास्क पहनिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।